हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं परुथी ट्यूटोरियल और मैं हूं आपका दोस्त सागर परुथी। आज हम सीखेंगे टू हिंज गर्डर को कैसे एनालाइज करते हैं। हमारे पास टू हिंज गर्डर केबल सस्पेंशन ब्रिज दिया हुआ है, जिसका हमारे पास डिप दिया हुआ है 8 मीटर का। उसके अलावा हमारे पास उसका स्पैन लेंथ दिया हुआ है यहाँ पे 80 मीटर का। हमारे पास जो ये ब्रिज है उसकी जो विड्थ है वो दी हुई है 6 मीटर की। इस ब्रिज के ऊपर डेड लोड पड़ रहा है 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का एंड लाइव लोड पड़ रहा है 10 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर ओवर द लेफ्ट हाफ ऑफ द स्पैन। 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ओवर द लेफ्ट हाफ ऑफ द स्पैन मतलब सिर्फ इसके यहाँ तक, आधे हिस्से तक, 40 मीटर तक हमारे पास यहाँ से यहाँ तक क्या पड़ रहा है इसके ऊपर, हमारे पास पड़ रहा है लाइव लोड। हमें निकालना है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट 20 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। यहां से 20 मीटर की दूरी पे हमारे पास देयर इज अ पॉइंट डी पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। 20 मीटर की डिस्टेंस पे हमारे पास एक डी पॉइंट है। दिस डी पॉइंट हमें इसी के ऊपर क्या निकालना है, हमें इसी डी पॉइंट के ऊपर शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट, साथ के साथ हमें टेंशन भी निकालनी है केबल के अंदर। अब स्टेप नंबर वन जो हम इसको निकालेंगे, सबसे पहले जो केबल की वजह से सस्पेंडर हमारे पास जो होता है वो लोड एग्जर्ट करता है, तो वो डब्ल्यू ई हमारे पास पूरे स्पैन लेंथ पे पड़ता है, उसे हम डब्ल्यू ई पर मीटर हमने लेट कर लिया। अब हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले टोटल लोड निकालना पड़ेगा, डेड लोड। अगर मैं डेड लोड की बात करूं तो डेड लोड है 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दो गर्डर है हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर। हमारे पास कितने गर्डर है, हमारे पास गिवन है 2 गर्डर। तो हमारे पास जो यहाँ पे मेंशन है गिवन में ही, दैट इज हमारे पास 2 गर्डर क्वेश्चन में गिवन है, 2 हिंज 2 गर्डर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे डेड लोड जो हमारे पास रहेगा पर गर्डर। एक गर्डर के ऊपर कितना डेड लोड पड़ रहा है, तो टोटल डेड लोड कितना था, 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू, अब डेड लोड जो है वो हमारे पास ओवर, हमारे पास इसकी जो विड्थ है, जो ब्रिज है हमारे पास उसकी जो चौड़ाई है, ब्रिज की चौड़ाई वो हमारे पास गिवन है 6 मीटर। तो यहां पर आएगा दैट इज विड्थ ऑफ ब्रिज डिवाइड बाय 2 से डिवाइड क्यों किया, ताकि एक के लिए निकले, 2 है तो ईच के लिए निकालने के लिए। तो ये 5 डेड लोड यहां पुट किया, 5 इंटू विड्थ, विड्थ हमारे पास कितनी गिवन है 6 मीटर, तो हम यहां पे 6 पुट करेंगे, 6 बाय 2। तो यहां पे 5 6 30 बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, 15 किलो न्यूटन पर मीटर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या निकला, हमारे पास यहाँ पे निकला कि ये पूरा यूडीएल इसके ऊपर पड़ रहा है ओवर द एंटायर स्पैन। हमारे पास एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड निकाला, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो निकला वो कितना है, 15 किलो न्यूटन पर मीटर। ये हमारा डेड लोड हमने कैलकुलेट किया। अब हमारे पास क्या है, लाइव लोड। लाइव लोड है 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जब की हम जब बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या बात होगी, 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ध्यान से समझेंगे, लाइव लोड हमारा पर गर्डर। अब हम बात करेंगे लाइव लोड पर गर्डर, तो लाइव लोड हमारे पास कितना गिवन है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम यहाँ पुट कर देंगे यहाँ पे 10 इंटू विड्थ डिवाइड बाय ईच गर्डर के लिए 2 से डिवाइड, 10 इंटू विड्थ 6 है, विड्थ हमारे पास ब्रिज की 6 मीटर है, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास यहां पे आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद 30 किलो न्यूटन पर मीटर। ये जो लाइव लोड है वो लेफ्ट हाफ ऑफ द स्पैन है, अगर ये 80 मीटर का है तो सिर्फ 40 मीटर सेंटर तक हमारे पास इसके ऊपर लाइव लोड भी पड़ रहा है हमारे पास सेंटर तक के लिए सिर्फ इतना। और इस लाइव लोड की जो वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट करी 30 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इस लाइव लोड की वैल्यू है 30 किलो न्यूटन पर मीटर। अब हमारे पास सिर्फ हाफ तक लाइव लोड है और एंटायर स्पैन पे डेड लोड है। अब डेड लोड और लाइव लोड हमने निकाल लिया पर मीटर में। उसके बाद अगर इसमें मैं निकालूं दैट इज टोटल लोड ऑन द गर्ड, हमारे पास जो टोटल लोड गर्डर के ऊपर है वो हमारे पास जो वो कौन बेयर कर रहा है, वो टोटल लोड बेयर कर रहे हैं हमारे केबल्स, वो हमारे केबल्स बेयर कर रहे हैं। तो टोटल लोड ऑन द गर्डर निकालेंगे हम यहाँ पे,
टोटल लोड ऑन द गर्डर, टोटल लोड ऑन गर्डर कितना लोड पड़ रहा है, टोटल इक्वल टू यहां पे हमारे पास जो है 30 किलोन्यूटन पर मीटर, सिर्फ यहां से लेके यहां तक, दैट इज 40 मीटर के डिस्टेंस तक हमारे पास यहां से यहां तक कितना है, सेंटर तक की बात कर रहे हैं, तो यहां से लेके सेंटर तक का हमारे पास खाली कितना है, 40 मीटर। तो यहां पे जब पुट करेंगे तो लाइव लोड के साथ कितना पुट करेंगे, 40 पुट करेंगे, 30 × 40 प्लस डेड लोड जो है वो पूरे पे है 15 किलोन्यूटन पर मीटर, 15 × पूरी एंटायर लेंथ 80 मीटर, 80 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहां पे वैल्यू आएगी 2400 किलोन्यूटन, टोटल लोड निकल गया। टोटल लोड निकलने के बाद अब इस टोटल लोड को किसने बेयर करना है, इस टोटल लोड को बेयर करना है हमारे लोड जो कि सस्पेंडर है उसकी वजह से आएगा, तो वो उसको केबल को में जाएगा और वो उसको रेसिस्ट करेगा। तो WE पर मीटर हमारे पास था जो रेसिस्टिंग लोड था, तो हमारे पास टोटल लोड जो है दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, WE इंटू एंटायर लेंथ, कितने लेंथ पे हमारे पास वो पड़ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास ये हमेशा रहेगा वो पर मीटर में, हम एज्यूम करते हैं WE पर मीटर में, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, ये हमेशा क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो टोटल लोड यहाँ पुट करेंगे 2400, WE की वैल्यू निकालनी है, ओवर एंटायर लेंथ होता है हमेशा 80 मीटर, ओवर एंटायर लेंथ इज 80 मीटर। तो यहां से सॉल्व करने के बाद मेरे पास WE की वैल्यू आ जाएगी सीधी सीधी, दैट विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, WE की वैल्यू 30 किलोन्यूटन पर मीटर। 2400 को ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 80 से डिवाइड करेंगे तो दिस वैल्यू कैलकुलेट एज 30 किलोन्यूटन पर मीटर मेरे पास यहाँ पे WE की वैल्यू निकल जाएगी। अब मैं निकाल चुका हूं मेरा जो केबल लोड हमारे पास पड़ रहा था और उस पे जो एग्जर्ट लोड था उसको रोकने के लिए। अब WE निकल चुका है सस्पेंडर, जो लोड सस्पेंडर की वजह से है। अब स्टेप नंबर 1 यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा। फिर स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 है मैक्सिमम टेंशन। हम WE अभी अभी हमने पीछे निकाला, कितना निकाला, 30 किलोन्यूटन पर मीटर। अब यहां पे हमारे पास दो रिएक्शन बन रही है, कौन कौन सी, एक VA + VB इक्वल टू 30 है, कितने पे पड़ रहा है ये 30, 80 पे पड़ रहा है, 80 पे पड़ रहा है। तो VA + VB कितना आ गया हमारे पास, दैट विल बी 2400 किलोन्यूटन। अब मैं मूवमेंट ले लूंगा, मान लो मैंने मूवमेंट ले ली किस पे, टेकिंग मूवमेंट अबाउट, यहां पे मैंने मूवमेंट ले ली बी पे 0 के बराबर। तो यहां से VA लोड इंटू बी तक का डिस्टेंस, VA की वजह से ऐसे जाएगी डायरेक्शन, डिस्टेंस है 80, बी तक जाना है, इक्वल टू ये WE लोड 30 × 80 × 80 का हाफ, CG उसके सेंटर पे लाया करता है, और ये हमारे पास ऐसे जा रहे हैं, डायरेक्शन उल्टी है, ये हमारे पास डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो कंपेयर करेंगे, ये डिवाइड में जाएगा, तो VA की वैल्यू यहाँ पे इस 80 से 80 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर VA की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी यहाँ पर सॉल्व करने के बाद, दैट विल बी कैलकुलेट एज यहाँ पर 1200 किलो न्यूटन। तो मेरा VA निकल गया। अब VA निकालने के बाद हमें चाहिए H, H जो होता है, H निकालने के लिए हमें इस सेंटर पे मूवमेंट लेनी है, H निकालने के लिए हमें इस सेंटर पे मूवमेंट लेनी है। तो लेंगे यहाँ पे मूवमेंट, टेकिंग मूवमेंट अबाउट C इक्वल टू 0। अब यहां से शुरू करें VA लोड इंटू सी तक का डिस्टेंस, सी तक का डिस्टेंस कितना है, सेंटर पे है तो सी तक का डिस्टेंस है 40, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है 40, सेंटर पे 40। अब ये ऐसे है हमारे पास, ये H है और ये हमारे पास नीचे की ओर आ रहा है, तो जब ये नीचे की ओर आएगा तो हमारे पास कंपेयर होगा इक्वल टू H × H। साथ में हमारे पास यहां पर जो वैल्यू है वो UDL की वजह से है, UDL की वजह से भी ऐसे आ रहा है, इस UDL की वजह से भी ऐसे जा रहा है सी तक, और इसकी वजह से भी ऐसे आ रहा था सी तक, तो डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो
तो जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हमारे पास दोनों एक ही साइड आ जाएंगे कंपेयर करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास अब डब्ल्यू की वजह से डब्ल्यू कितने डिस्टेंस है सी तक, सी तक कितना था 40, ये तो निकला लोड, डब्ल्यू इंटू एल से निकला लोड, और 40 का भी हाफ करूंगा तो सी जी आ जाएगा। यहाँ पर वी ए की वैल्यू पुट करेंगे 1200 इंटू 40 इज इक्वल टू एच इंटू स्मॉल एच की वैल्यू 8 मीटर है वो पुट कर देंगे, प्लस यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू 30 है इंटू 40 इंटू 40 का हाफ, तो यहाँ करेंगे सॉल्व इसको, यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ से 20 बच जाएगा, 24,000 इज इक्वल टू 8H। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू हमारे पास बचेगी, दैट विल बी कैलकुलेट एज 24,000 अपॉन 8 इज इक्वल टू एच, एच की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे निकल जाएगी 3000 किलो न्यूटन। अब मेरा एच निकल गया, अब एच की वैल्यू हमारे पास हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट भी निकल चुका है, हमारे पास मैक्सिमम वर्टिकल शेयर भी निकल चुका है, अब हम निकालेंगे मैक्सिमम टेंशन, टेंशन इन द केबल, टी मैक्सिमम। टेंशन इन द केबल का फॉर्मूला हमारे पास यही रहता है, वर्टिकल शेयर प्लस हॉरिजॉन्टल शेयर का स्क्वायर अंडर द रूट। वी की वैल्यू 1200 प्लस एच की वैल्यू 3000, इसका अंडर द रूट करेंगे, सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को, तो हमारे पास ये सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा, दैट विल बी कैलकुलेट एज 3231.10 किलो न्यूटन। ये हमारे पास टी मैक्स की वैल्यू निकल गई। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें निकालना था टेंशन इन द केबल, वो हमारे पास निकल चुका है 3231.10 किलो न्यूटन। हमारा स्टेप नंबर टू यहां पर खत्म हो जाएगा। अब स्टेप नंबर थ्री, शेयर फोर्स, हमें निकालना है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमारा क्या काम रहेगा, यहां पे हमारा काम यहां पे रहेगा दैट इज बीम शेयर को निकालना, बीम शेयर को निकालना, और फिर हमारा काम क्या रहेगा, फिर हमारे पास काम रहेगा बेंडिंग मोमेंट को निकालना। अब सबसे पहले बीम शेयर की बात करते हैं। बीम शेयर निकालने के लिए हमारे पास यहां पर हमें पता होना चाहिए कि मेरे पास कितना आर ए आर बी है। सो बीम शेयर हमारे पास निकालने के लिए सबसे पहले हम गिवन फिगर से बीम शेयर को निकालेंगे। तो हमारे पास ये गिवन फिगर था। बीम शेयर निकालने के लिए कुछ नहीं करना, हमारे पास बीम शेयर मतलब जो गिवन लोडिंग है उसकी वजह से जो रिएक्शन पड़ रही है, यहां से रिएक्शन ए पॉइंट, मान लो हमारे पास ये पॉइंट है आर ए और यहां पर हमारे पास रिएक्शन बन रही है आर बी, आर ए प्लस आर बी। अगर मैं बात करूं आर ए प्लस आर बी हमारे पास यहां पर लिख साइड में कर लेते हैं, बीम शेयर निकाल लेते हैं, दैट इज आर ए प्लस आर बी इक्वल टू टोटल गिवन लोडिंग। टोटल लोड हमने कितना निकाला था गर्डर के ऊपर, दैट विल बी इक्वल टू 2400 किलो न्यूटन आया था। तो ये हमारे पास किसके बराबर है, 2400 के बराबर है। अब उसके बाद हमारे पास यहां पर हमें मूवमेंट लेनी है, मैं मूवमेंट चाहे ए पे लूं चाहे मैं मूवमेंट बी पे लूं। मान लो मूवमेंट मैं ए पे ले लेता हूं, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए, अगर मैं टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए लेके जीरो के बराबर रख देता हूं, तो हमारे पास ए सबसे पहले लोड है यहां पे कितना, दैट इज आर बी इंटू ए तक का डिस्टेंस, आर बी लोड इंटू ए तक का डिस्टेंस कितना है 80 मीटर है। तो आर बी लोड इंटू ए तक का डिस्टेंस है 80 मीटर इक्वल टू, अब हमारे पास ऊपर से लोड, सबसे पहले तो ऊपर से लोड कौन सा है, ये डेड लोड 15 किलो न्यूटन पर मीटर, कितने स्पैन पे पड़ रहा है 80 पे पड़ रहा है, और सी जी इसके हाफ पे होगा। तो हमारे पास यहाँ पे पड़ रहा है कितने पे, 15 इंटू 80 पे, और सी जी उसका भी हाफ, 80 का हाफ। ये हमारे पास एक लोड हुआ, प्लस लाइव लोड, लाइव लोड हमारे पास कहाँ पे है, लाइव लोड हमारे पास यहाँ पे देखेंगे, लाइव लोड हमारे पास 30 किलो न्यूटन पर मीटर का है,
40 मीटर के स्पैन पे। तो लाइव लोड हमारे पास कितना है, 30 किलो न्यूटन पर मीटर का है 40 मीटर के स्पैन पे। 30 × 40 ये लोड हुआ और सीजी उसका भी 40 का भी हाफ। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमारे पास आरबी की वैल्यू यहां से हमारे पास निकल जाएगी विच कैलकुलेट एज 900 किलो न्यूटन। अब आर ए प्लस आरबी तो था 2400 किलो न्यूटन और आरबी निकला 900 किलो न्यूटन, तो इसी में आरबी को पुट कर देंगे और आर ए की वैल्यू निकल जाएगी फिर 1500 किलो न्यूटन। अब हम बीम शेयर इजली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बीम शेयर इजली? अब हमारे पास मेरे को ये पता चल गया कि आर ए की वैल्यू जो है दैट आर ए इज इक्वल टू हाउ मच 1500 और दिस आर बी इज इक्वल टू हाउ मच 900। अब ये दोनों वैल्यू मेरे को पता है तो मेरे को इस यहां पे डी पॉइंट पे बीम शेयर चाहिए। तो बी डी पॉइंट पे बीम शेयर के लिए क्या, आर ए यहां से है, ऊपर से हमारे पास यहां पर जो लोड पड़ रहा है वो कौन कौन सा पड़ रहा है, 15 × 20 डेड लोड, और लाइव लोड कौन सा पड़ रहा है 30, वो भी कितना 20 के डिस्टेंस पे, वो बीम शेयर निकालने में मदद करेगा। नीचे से है 1500, नीचे से हमारे पास क्या है, बीम शेयर की बात करूंगा मैं, नीचे से है 1500, ऊपर से हमारे पास दिया हुआ है 15 × 20 क्योंकि 20 मीटर के पे है हमारे पास 15 लोड और ऊपर से लाइव लोड है 30, वो भी कितने डिस्टेंस पे है 20 मीटर पे। तो ये मेरा यहां से यहां तक निकला पूरा क्या, बीम शेयर प्लस शेयर ड्यू टू डब्ल्यू। अब हमारे पास ऊपर से पड़ रहा है डब्ल्यू तो माइनस में लेंगे, फॉर्मूला हमारे पास सेम जो थ्री हिंज गर्डर में होता है, दैट इज डब्ल्यू एल बाय टू माइनस ऑफ एक्स, कितने मीटर पे आप निकालना चाह रहे हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद बीम शेयर हमारे पास आ जाएगा दैट इज 600 किलो न्यूटन, साथ में माइनस डब्ल्यू ई, डब्ल्यू की वैल्यू 30, लेंथ इज 80/2, माइनस एक्स कितने डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं 20 पे निकाल रहे हैं। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास यहां कितना आ जाएगा, दैट विल बी कम्स आउट एज 0। तो ये मेरा निकला शेयर फोर्स एट 20 मीटर दैट इज डी पॉइंट पे। डी पॉइंट पे मतलब मेरा ये शेयर फोर्स कहां पे निकला, मेरा शेयर फोर्स निकला यहां पर इस डी पॉइंट पे, शेयर फोर्स 0 होगा। इस शेयर फोर्स को निकालने के लिए नीचे से आ रहे जिसकी वैल्यू 1500 है, ऊपर से ये ब्लैक कलर से शो कर रखा है दैट इज हमारे पास डेड लोड और रेड वाला है हमारा लाइव लोड। अब इसके बाद हमें निकालना क्या है, शेयर फोर्स के बाद बेंडिंग मूवमेंट। अब मैं बेंडिंग मूवमेंट अगर इस पॉइंट पे चाहता हूं, इस डी पॉइंट पे, तो 1500 लोड यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20, फिर ऊपर से लोड 30 × 20 लोड और इसका हाफ सीजी सेंटर पे, फिर इस 15 के लिए भी 15 × 20 लोड होगा और उसका सीजी हाफ। तो सेम तरीके से करेंगे हमारे पास यहां पे। सबसे पहले बीम मूवमेंट निकालता हूं, बीम मूवमेंट की बात करेंगे तो बीम मूवमेंट के लिए हमारे पास है दैट इज 1500 × 20 साथ में हमारे पास ऊपर से जो है हमारे पास डेड लोड, पहले 15 × 20 ये लोड हुआ और उसका भी हाफ होता है तो 20/2 ये सीजी लाई करा। फिर हमारे पास ऊपर से एक और है लाइव लोड, 30 × कितने पे है लाइव लोड 20 पे लेना है और फिर से 20 का हमें हाफ करना है, तो हमारे पास ये हुआ लाइव लोड। ये हमारे पास जो निकला ये सारा क्या निकला, बीम मूवमेंट, ये सब निकला मेरा क्या, बीम मूवमेंट। अब मेरा बीम मूवमेंट निकल चुका है, अब मूवमेंट ड्यू टू डब्ल्यू जिसका सीधा सीधा फॉर्मूला हमने थ्री इंच गर्डर में भी पढ़ा था, दैट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एक्स एल माइनस एक्स अपॉन 2। अब ये फॉर्मूला आता कैसे है, ये बहुत आसान है फॉर्मूला जो हमारे पास आता है। अब ऊपर से पड़ रहा है तो वी कैन टेक इट एज इन नेगेटिव, इसे हम लेंगे नेगेटिव में क्योंकि ऊपर से ये भी लोड थे हमने किस में लिए, नेगेटिव में। तो ये फॉर्मूला याद भी नहीं करने की जरूरत, ये सीधा सीधा हम बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, देखें हमारा अगर ये एक्स डिस्टेंस है, इस डी पॉइंट की बात कर रहे हैं हमारे पास, इस डी पॉइंट की अगर हमारे यहां से यहां तक डी पॉइंट तक 20 मीटर तक डिस्टेंस क्या है एक्स है, तो हमारा डब्ल्यू इंटू एक्स ये तो लोड हुआ और इसी का हाफ हमारा सीजी हुआ, तो उसी तरह हमारे पास यहां पे हमने इसको फॉर्मूले को बनाना है।
अब हमारे पास यहाँ पे इसको लगाएंगे, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू डालेंगे और हमारे पास आंसर निकल जाएगा। तो करेंगे इसको इक्वल टू 1500 × 20। इस पूरी इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे और इसके अंदर डब्ल्यू की वैल्यू डालेंगे। वी कैन रीराइट दिस अगेन, 30, उसके बाद 3 जीरोज हो रहे हैं माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा 30, उसके बाद हमारे पास 2 जीरो हो रहे हैं माइनस 12, 3 जीरोज हो रहे हैं माइनस डब्ल्यू ई। डब्ल्यू ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट विल बी इक्वल्स टू 30। कितने डिस्टेंस के लिए निकाल रहे हैं, 20 है डी पॉइंट, एल 80 है, एक्स फिर से 20 है, अपॉन 2। तो ये हमने क्या किया, हमने ये पूरा का पूरा फॉर्मूला लगाया मूवमेंट ड्यू टू डब्ल्यू ई। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, दैट विल बी कम्स आउट एज 3000 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हमारे पास है बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू हमारे पास जो लोड था, और जो लोड किसकी वजह से था, सस्पेंडर की वजह से था, और जो हमारे पास वर्टिकल लोड था, गिवन लोडिंग थी, डेड लोड एंड लाइव लोड। ये आया 20 मीटर के डिस्टेंस पे फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट, जहां पे डी पॉइंट हमने उसको नेम दिया, उस पे बेंडिंग मोमेंट निकल गई। तो ऐसे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए 2 इंच गर्डर का, हम उसको इन्हीं 4 स्टेप्स की मदद से शेप फोर्स निकाल सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं, और साथ में हम केबल के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो होप बहुत अच्छा लगे होगा, और आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।